दोस्तों, स्वप्नलोक की दुनिया में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में छोटे बच्चे को नग्न अवस्था में देखना कैसा होता है। दोस्तों, सोते हुए कई प्रकार के अजीबोगरीब सपने हमें आ जाते हैं, जिसका अर्थ समझ पाना मुश्किल होता है। लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार कोई भी सपना ऐसा ही नहीं आता, उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। सपने हमें हमारे भविष्य से जुड़ी घटनाओं के बारे में संकेत देते हैं। कहा जाता है कि अगर सपने के मतलब को समझ लिया जाए तो आने वाली परेशानियों का कुछ हल आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, सपने में छोटे बच्चे को यदि आप नग्न अवस्था में देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। दोस्तों, माना जाता है कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जिस प्रकार भगवान के दिल में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं होता, उसी प्रकार छोटे बच्चे का मन भी साफ होता है। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे छोटे बच्चे पसंद ना हो। छोटे बच्चे सभी को पसंद आते हैं और वो हमारी खुशी को 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो बच्चे दिखाई देना शुभ सपना माना जाता है। लेकिन यदि आपको सपने में छोटे बच्चे नग्न अवस्था में दिखाई देते हैं तो दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह सपना आपके लिए एक शुभ संकेत देता है। इस सपने के अनुसार आगे आने वाले दिनों में आपको छोटे मोटे कामों में खूब सारा धन मिलने वाला है। यानी आपके पास पैसे कमाने के कई सारे छोटे छोटे स्रोत होंगे। नग्न अवस्था में देखते हैं और वो हंस रहा है, खेल रहा है, तो यह सपना आपके लिए शुभ सपना साबित हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार आप किसी छोटे बच्चे को नग्न अवस्था में देखते हैं तो इसका मतलब यह भी होता है कि आप नई शुरुआत करने वाले हो। जैसे कि कोई व्यवसाय या कोई नई नौकरी में आगे जाकर आपको सफलता देगी और उससे हमें कामयाबी हासिल होगी। तो आप जो भी काम कर रहे हो या शुरुआत करी हो तो उसको बड़ी मेहनत के साथ पूरा करें, क्योंकि आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। तो दोस्तों, यह था मतलब सपने में छोटे बच्चे को देखना। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। हैप्पी जर्नी दोस्तों।